किया तक नहीं लगा रहे, बात तक नहीं कर लेगी। एक बार आप कलेक्टर ने कही तो अपन मानेंगे। ठीक है, अब आप बात आपकी मेरे आधा घंटा सुन रहा हूँ। अब एक निवेदन सुन लो मेरा, आप 50 दे रही, तुमने 1000 आवेदन दे, एक बार एक बार और सब दस्तखत करके देके आना, और वार्ड का नाम लिखना स्पष्ट और बस्ती लिखना, तुम्हारे वार्ड मेंबर होने उसका नाम महेश कुछ रहेगा। और बोले तुम नहा तो सही दे तो दो, हाथ जोड़े दे दियो, आप सही उसके बाद भी आप नहीं भेजाएंगे, सही कर रहे हैं, थोड़ा विश्वास आपको। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने ये दर्द सुना, ये महिलाएं जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, ये महिलाएं थीं गुना संसदीय क्षेत्र की, और ये वो गुना संसदीय क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व सुत्रेय सिंधिया करते हैं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वे अब मोदी O3 में पुनः मंत्री हैं, और उनसे मुलाकात ना कर पाने का दर्द महिलाएं बयां करें। इनकी बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये गुना प्रॉपर से आती हैं और वे बता रही हैं कि बहुत मामूली समस्याओं का समाधान बीते लंबे वक्त से नहीं हो पा रहा है। अब दिलचस्प पूरा मामला ये बना हुआ है, और मामले में जो स्थानीय विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश विधानसभा में करते हैं, वे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं। पूरा का पूरा घटनाक्रम वाक्य क्या है सब कुछ बताता हूं, लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं जो महिलाओं का दर्द है वो ये बयां करता है कि कैसे हालात हैं मध्य प्रदेश में, जो जनता है उसके हाल। यदि ज्योतिरेय सिंधिया जो केंद्र में मंत्री हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो सक्रिय रहा करते हैं ऐसा माना जाता है, और वो बहुत एक मैन टू मैन मार्किंग करना, बहुत वहाँ प्रबंध करना तमाम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हालात क्या है, वो महिलाएं क्या पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि बिजली, सड़क, पानी, एक छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए वो दो चार हैं। और उनका दर्द या उनका मर्म, उनकी पीड़ा ये भी है कि जब वोट चाहिए होते हैं तब तो उनसे नहीं कहा जाता कि वो बूढ़ी हैं, उन्हें एक तरफ हो जाना चाहिए। काफिला जब आता है चुनाव के वक्त तो वो रुकता है, सबके सिर पर हाथ फेरता है, मरहम लगाता है, कहता है आप वोट दीजिए, हम आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो क्या होता है, ये वही दृश्य था। सुनिए एक बार और आपको वो महिला जो पीड़ित है वो क्या कुछ कह रही है। वो तो युवा है, यंग है, और वहां जो एक बूढ़ी माँ थी उसने कहा था कि मुझसे कहा गया आप हट जाओ, बुजुर्ग हो तो जब वोट मांगते थे तब तो नहीं कहते कि बुढ़िया हो हट जाओ रास्ते से। अब ये जो उसकी साथी है, सबका मर्म एक है, क्या कुछ वो कह रही है सुनिए आप, फिर करूंगा आगे की बात। नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब। तो आपने सुना है इसको, ये बता रही है कि उनके यहाँ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कठिनाइयां ही कठिनाइयां, नाली नहीं है। अब ये यदि हाल गुना संसदीय क्षेत्र के हैं, ज्योतिराय सिंधिया जो एक बड़े ऐसे सांसदों में शुमार होते हैं जो बेहद बेहद एक सक्रिय रहते हैं और हर छोटी बड़ी समस्या के निदान के प्रयास उनकी ओर से होते हैं कहा जाता है, तो ये स्थिति है। और वैसे तो ज्योतिराय सिंधिया के दिन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है। अभी वो पार्टी में उलझे हुए हैं, बीजेपी उन्हें कहीं निशाने पर संगठन ने रखा था, अभी हाल ही में उसी ग्वालियर चंबल संभाग जो क्षेत्र है जहां उनका दबदबा माना जाता है, उस क्षेत्र की एक सीट जो श्योपुर जिले की विजयपुर, जब भारतीय जनता पार्टी हारी वहां से, रामनिवास रावत जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, तो उस पर रार चढ़ी है, तकरार चल रही है। और ये भी हुआ है, कहा था ज्योतिराय सिंधिया ने कि वे चाहते थे वहां प्रचार के लिए जाना लेकिन उनको निर्देश नहीं हुए तो वे गए नहीं। जब उनका ऐसा बयान आया तो पलटवार हो गया पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा था, संगठन महामंत्री हिरानंद शर्मा ने कहा था, और सबके कहने के बाद ज्योतिराय सिंधिया ने कह दिया था कि वे कहीं अन्य व्यस्त हैं, वहां क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। हालांकि अब तो चिड़िया खेत चुक चुकी है, वहां हार हो चुकी है बीजेपी, लेकिन अभी इस पे लेकर रार तकरार चल रही है। जब ये बयान आया, हमने ये खबरें आपको
अपने दर्शकों को 4 PM को दिखाई थी, 4 PM के दर्शकों को और बताया था कि इसके आगे कुछ निकल कर आएगा तो वो भी आपको अवगत कराएंगे। तो वो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री की ओर से बयान आया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री की ओर से सिंधिया जी से आग्रह हुआ था, लेकिन वे व्यस्तताओं का हवाला देकर नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके बाद फिर सिंधिया ने कह दिया कि मैं कह चुका हूं, मैं बता चुका हूं, मैं उस पर अडिग हूं कि मुझसे नहीं कहा गया। तो खैर वो सब तो चला, लेकिन अब ये क्षेत्र का दृश्य है। दरअसल ज्योतिराय सिंधिया बीते 3-4 दिनों से मध्य प्रदेश में बने हुए थे। संसद सत्र के बीच जो छुट्टियां थी वहां पहुंचे हुए थे, जो अवकाश का दौर होता है सैटरडे संडे और तमाम, तो वहां जब पहुंचे तो ये दृश्य उनके अपने गुना संसदीय क्षेत्र का दिखला रहा था, जहां महिलाएं वो दुखी हो रही थी कि हमको मिलने तक नहीं दिया गया, हमारी समस्याओं को सुन नहीं रहा है। और एक बड़े चर्चित भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां, पन्नालाल शाक, अपने जो अजीबोगरीब बयानों के लिए बड़े चर्चित रहे हैं। वो कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं जिनकी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, एक देश भर में वो सुर्खियां बने उनके बयान, चाहे उन्होंने मोदी को कहीं ना कहीं इशारों में लपेटा हो, संकेतों में उन्होंने निशाने पे लिया हो, पकौड़े तलने जैसा बयान कि भाई तुम तो पंचर की दुकान बनाओ, कहां लगे हुए पढ़ने लिखने पे। वो बड़ा चर्चित बयान था उनका। तो वही पन्नालाल शाक घिरे हुए हैं वो जब महिलाओं से, हाथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कितनी बार आवेदन दे चुके, सब कर चुके, एक बार और आवेदन दीजिए। देखिए उनकी निरीता इस बयान में, इस दृश्य में देखिए, सुनिए कि कैसे वो गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल घेर लिया गया था उनको, महिलाएं आक्रमक हो गई थी, उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा है और सिंधिया से मिलने नहीं दिए गए, जैसे कि उनकी शिकायत आपने इस वीडियो के शुरू में देखी, बीच में देखी, और तमाम जो उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा जो बता रही है। तो कैसे वो पन्नालाल शाक को निशाने पे ले रही थी और पन्नालाल शाक हाथ जोड़कर उनसे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उसे आप। पहले कलेक्टर ने कही तो अपन मानेंगे, अब तो ठीक है। अब आप बात आपकी, मेरे आधा घंटा सुन रहा हूँ, अब एक निवेदन सुन लो मेरा, आप 50 दे दें, तुमने 1000 आवेदन दे, एक बार किसी के हाथ भिजवा देना और सब दस्तखत करके देके आना, और बाढ़ का नाम लिखना स्पष्ट और बस्ती लिखना, तुम्हारे वार्ड मेंबर कौन है उसका नाम महेश कुशवाहा। और बोले कुछ नहीं, तो सही दे तो दे, हाथ जोड़े दे दियो, तो ये भी एक रोचक दृश्य है। मैंने कहा ना कि सिंधिया के दिन शायद ठीक नहीं चल रहे, संगठन उन्हें निशाने पे ले रहा है, तो उनके अपने क्षेत्र के मतदाता भी आक्रामक हैं, हिसाब सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है आप हिसाब दें, जैसी स्थिति है कि क्यों नहीं छोटी छोटी समस्याओं का निदान हो रहा है। और वो कह रही थी, आपने सुना होगा कि कलेक्टर साहब कह चुके हैं, और पन्नालाल शाक के कहना है कि आप कितनी बार दे चुकी हैं आवेदन, भूल जाइए, देवियों एक बार तो दीजिए। और जैसे तैसे पन्नालाल जी अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए, क्योंकि अब जनता है बहुत आक्रामक हो चुकी है, और जब वोट देती है आपको, आपको चुनती है तो हटाती भी। और ये मध्य प्रदेश का जो गुना संसदीय क्षेत्र है, 2019 कौन भूला होगा, लोकसभा के जो 2019 के चुनाव थे, ये जो गुना शिवपुरी सीट कहलाती है संसदीय क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश का बड़ा बहुचर्चित क्षेत्र है, और 2019 के चुनाव में इसी सीट से ज्योतिराय सिंधिया बुरी तरह परास्त हुए थे। हालांकि उस वक्त वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे, और चुनाव किसने हराया था, उनके अपने कभी सिपाही साथी सहयोगी रहे चुनावों के, उन्होंने हरा दिया था। और उस हार के बाद तिलमिलाए सिंधिया बहुत देर तक, दूर तक अपनी माथा खुजाते रहे थे, उनके समर्थक कांग्रेस में होते थे जैसा मैंने बताया, उस 2019 में वो तब उन्हें हार मिली थी। और बाद में 2020 में दृश्य पलटा था, सिंधिया ने बगावत की थी, कमलनाथ की सरकार गिरवाई थी, चले गए थे बीजेपी में, और बीजेपी में जाने के बाद केंद्र में मंत्री हो गए थे, उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, मध्य प्रदेश ऐसे ही गए थे वे, भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया था, केंद्र में मोदी O2 जो गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री बनाया गया था, उन्हें नागरिक उड्डयन जैसा महकमा दिया गया था, काफी एक चर्चाओं में होते थे रहते थे। और पुनः जब 2024 आया तो वो जिसने हराया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहते हुए, जो ज्योतिराय सिंधिया के साथी हुआ करते थे, समर्थक हुआ करते थे, उनसे हार के बाद 2024 में उनका टिकट काटा था बीजेपी ने, और टिकट मिला था ज्योतिराय सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उन्होंने पुनः अर्जित कर ली थी ज्योतिराय सिंधिया ने बीजेपी के टिकट पर। लेकिन अब जनता हिसाब पूछ रही है, सवाल कर रही है,
कह रही है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा वो बूढ़ी माँ कह रही थी कि भाई जब वोट मांगने आते थे तब तो हमें नहीं कहा जाता था कि तुम बूढ़ी हो अलग हो जाओ, आज तुम कह रहे हो बुढ़िया हो अलग हो जाओ, चोट लग जाएगी, गाड़ी आ रही है महाराज की। तो एक दृश्य है, मंजर है, वक्त है, और वक्त तो सदा सदा एक सा नहीं रहता, कभी इंसान अर्श पर होता है, कभी फर्श पर होता है, चलता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी सिंधिया जूझ तो रहे हैं और उनका वक्त कह सकते हैं कि एकदम जैसा होना चाहिए वैसा अभी उनका साथ नहीं है, नहीं चल रहा है, हैरान है, परेशान है, उनके चेहरे पे आप पढ़ सकते हैं। कई बार जो कांग्रेस में एक उन्हें तवज्जो मिला करती थी उसकी तुलना में अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत बार नजर आता है, कहीं कोने में किसी ऐसी पंक्ति में बैठे दिखते हैं वो। तो बात होती है, सवाल होते हैं और चुटकी लेने वाले चुटकियां भी लेते हैं कि क्या स्थिति हो गई है जुत्रे सिंधिया की, और तमाम स्थिति हैं, तमाम हालात हैं। ये जो सूचना खबर निकली और जो दृश्य बना, मंजर बना, तो खबर बनना निश्चित तौर पर लाजमी था, तो ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबा दो, ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, प्यार वास्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।